ब्रेक के बाद फिर से खुश आमदीद कहते हैं आप। मियां साहब मुझे ये बताइए कि पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में ना आते तो कौन सा शोभा आपको लगता है कि आप उस तरफ जाते हैं? मेरा ख्याल है जी जो मेरा फैमिली बिजनेस है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं खैर उधर ही होता अगर पॉलिटिक्स में ना आता तो। तो क्या पॉलिटिक्स का शौक आपको खुद हुआ था या फिर शुरू से ही सोचा हुआ था कि पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, एज सच मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी, बट ये था कि मैंने इस तरह सोचा नहीं हुआ था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और फिर चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो बस वो 98 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा लोकल गवर्नमेंट का जो था, और उस वक्त माय फादर वाज अलाइव, उन्होंने मुझे एक तरह से ज़बरदस्ती वो इलेक्शन लड़ाया मेरे वालिद वालदा ने। तो आप मान गए आसानी से? नहीं मान, जाहिर है बुजुर्गों 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 की माननी पड़ती है। फिर उसके बाद बस फिर ऐसा आया ना लड़ने की उस वक्त इलेक्शन, क्या दलील थी आपके पास? मैं ये समझ रहा था कि अभी मुझे काम करना है, मुझे अपना बिजनेस में और वैसे, और मेरा मैं समझ रहा था कि मेरी उस वक्त ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि मेरे वालिद पॉलिटिक्स में थे तो मेरा ख्याल था कि आप अभी खुद जो है वो, उनको मैंने कहा आप पॉलिटिक्स करें तो जो सियासत है उसमें आपको रहना चाहिए, मेरा अभी बनता नहीं है। तो वो खैर उन्होंने कहा मुझे, बिकॉज उनकी उस वक्त सेहत ख़राब हो गई तो उस वजह से उन्होंने फिर मुझे एकदम कहा कि नहीं तुम अब इलेक्शन लड़ो। तो वो फिर खैर मैंने 98 में पहला इलेक्शन लड़ा अपना जो था, लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट लिया मैंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सीमा साहिबा मुझे ये बताइए कि ईद आप मोस्टली कैसे गुजारती हैं, और वो ईदें जो आपके अपने बचपन की ईदें थी और ये ईदें जब आप लोग जो हैं आपने डिलीवर भी करना है, पूरी सोसाइटी भी आपकी तरफ देखती है, तो इन ईदों में क्या डिफरेंस आप? कोई ऐसा वाक्या भी बता दे बचपन का जो आपको याद हो कि ये वाक्या बहुत अच्छा हुआ। बचपन की ईद तो रियल ईद होती है, इनफैक्ट कि वो जो चाम होता है नए जोड़े का, वो सारी रात कजन्स का कंपटीशन कि सुबह कौन ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ। फिर बचपन में जो ईदी मिलने का काउंट डाउन होता है कि कल कितने पैसे मिलने हैं किसको, किधर किधर से मिलने हैं। चाम तो ज्यादातर छोटी ईद पर होता है। ईदियाँ तो ईदी तो मिलती है दोनों पे, स्पेशली जोड़ा भी नया पहनना होता है ईद पे, जोड़ा तो वो बचपन की वो जो छोटी छोटी खुशियाँ जो इतनी बड़ी होती हैं उस वक्त, वो सारी जिंदगी इंसान मिस करता है जब आप बड़े हो जाते हो, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब होती हैं, सिर्फ खाली फैमिली की हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब आप पब्लिक सर्विस में हो और पब्लिक रिलेशनिंग हो, उसमें लेना ज्यादा मजेदार काम है, ईदी लेना मजेदार काम है, ऑब्वियसली लेना। तो वो तो मैं कहती हूँ कि ईदी लेना, और वो सारा अब मैं बच्चों को जब मैं देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ कि ये दिस इज रियल लाइफ, छोटी छोटी खुशियाँ। मुझे ना कुछ लोग नजर आ रहे हैं, मैं स्क्रीन के अंदर से देख रहा हूँ। अच्छा, जो नहीं उठे, नहीं वो उठ गए हैं, वो दोस्तों को मनाने नहीं गए, वो इतना अच्छा सॉन्ग था उसको तो सुन के आई एम श्योर। अच्छा, आप करते हैं ढोल बजाएंगे तो लोग जाएंगे और खुश हो जाएंगे दोस्तों को मनाने के लिए। जी आए आए, मेरे ख्याल कुछ रह गए हैं। रिश्मा साहिबा कहाँ है वो आपका? जी जी इधर ही है, यूनिट किधर है ढोल का, वो प्लीज अगर आप बजाएं और उन लोगों को डेडिकेट करें जो नाराज है, क्योंकि उनके उनके गाने से लोग उठ गए हैं पर दोस्तों को मनाने के लिए नहीं गए। और मनाना अब आपका काम, उनको भी डेडिकेट करें कि जो मनाने गए हैं और आगे से वो नहीं माना, तो कि भाई जान से काम करें, मेरे पास ना आए आप। तो रिश्मा साहब अगर इधर अपनी परफॉर्मेंस दे दें तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। जबरदस्त, अरिश्मा ढोल बजा रही थी और मैं क्लैप करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसके बीट के साथ क्लैप कर सकूं। अच्छा जी, बात सुने यार, वो कुछ लोग अभी भी नहीं उठे। आओ कुछ हल्का फुल्का गुनगुना दे, ठीक है, कोई प्यारा सा गाना गीत गुत सुना दे, वो मैं फिर मुझे ना बड़ी बड़ी मजेदार मजेदार बातें भी करनी है।
ठीक है। और बड़ी बहुत से सवाल भी ऐसे वैसे बहुत सवाल होते हैं, सहाफी कर रहे होते, तो हमने सोचा लाइट एंड मोड पे बड़ी अच्छी अच्छी पहेलियां आपसे पूछी जाए। और वो जो सवाल होते हैं ना वो भी पहेलियां होती है, परेशान ना हो आप, मुश्किल वगैरह मुश्किल वाली पहेलियां होती हैं। बिल्कुल, हम लोग इस टाइम लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर न्यूज पे बैठे हुए हैं स्पेशली, तो एक मेडले है मेरा काफी हिट हुआ था। हम लोग, मैं आपको बताऊं, जब लोग हम कितने सोते थे फाद में, हम तब के अभी इनकी आंखें नहीं खुली थी। चलो बेटा बिल्कुल एक मेडले है, मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, के शराब पीना सिखा दिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग आपो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माहिया। फाद भाई हमारे सेट पे से हम तीन लड़कियां बैठी हुई हैं बल्कि खूबसूरत, सो ये उन लोगों के लिए, ये बोल उन लोगों के लिए और पूरे लोग लाहौर में जो जाग नहीं जाग रहे उनके लिए, लड़कियां या फिर बिल्कुल आप तीनों के लिए। तू हो गई वंटूडू, ओ कुड़िये वंटूडू, ओ हो गई मुंडे दी तुतुर तुर तुर पतंगा वरदी, तू एवे उड़ दी, ओ हो गई मुंडे दी तुतुर तुर तुर हिलाते चल दी, टुक 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 कर दी मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी, जीवे क्वीन साड़ी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लोर टुमकदा, ओ जदो नचे पैन दी पूरा लोर टुमकदा, जदों नचे पैन दी पूरा लोर न्यूज ठुमकदा। बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत। अब बताएं जी, इन्होंने बोला मुंडा तो मेरे तो मियां यूसी, अब साहब के लिए बहुत अच्छा टाइटल, थैंक यू, गुड वन। उन्होंने ये खुशी भी दी थी, लड़कियां बोल दिया हम सबको, तीन लड़कियां। बहरहाल मियां साहब की तरफ चलते हैं और आप लोगों से पहली पूछनी है, नहीं पहेलियां भी पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे पहली पूछनी है ना आपने, तो वो एंड भी शुरू करें, ये वो दीवारें फलांग फलांग के भाग जाएंगे। अच्छा ऐसी पहेलियां हैं, लेकिन नहीं अच्छी अच्छी पहेलियां भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, पहेलियां बाद में पूछेंगे, इनसे ईद के बारे में पूछते हैं ना कि ईद कैसे गुजारते हैं आप, क्या मसरूफियात रहती है आपकी। और ईदगाह जी मसरूफियत तो सबसे पहले तो होता है कि नमाज, वो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने जहाँ बड़ा इज्तम होता है वहाँ नमाज, और नमाज के बाद फिर फौरी तौर पे जो होता है नमाज के बाद कुर्बानी, क्योंकि इस ईद पे कुर्बानी वो ज़रूरी होती है, और वो सबसे पहले नमाज के बाद घर आके कुर्बानी की, और कुर्बानी करने के बाद फिर उसके बाद जो है कब्रिस्तान, जो बुज़ुर्गों के पास भी आप अपने जाते हैं, और वो जो बुज़ुर्ग उधर कब्रिस्तान में हैं उनके पास, जैसे मेरे वालदैन दोनों हयात नहीं हैं और भी बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर, तो वहाँ हम जाते हैं, मैं खास तौर पर उधर जाता हूँ। उसके बाद फिर आके सारा दिन वो हमारे जितने भी दोस्त अहबाब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, मेरे साथी, हमारे जितने भी हैं पार्टी के लोग, सारा दिन फिर उनके साथ रात तक फिर वो सिलसिला ईद मिलने का चलता रहता है, और वो आते हैं। गुनगुना लेते हैं आप? क्या तुम गुना लेते हैं? नहीं मैं कभी कोई मतलब लाहौरियों को उठा लेते हैं। म्यूजिक पसंद है वैसे?
म्यूजिक हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कौन सा सिंगर ज्यादा सुनते हैं या कौन से? आजकल तो राहत फतेह अली के सॉन्ग अच्छे हैं. पार्टी सॉन्ग भी आपको गाया? हाँ जी बिल्कुल गाया. इस वजह से तो नहीं, राहत फतेह अली है, फिर आरिफ लोहार बिल्कुल, उन्होंने भी उनका भी बड़ा अच्छा. पुराने जो लेजेंड है उनमें कौन किसको ज्यादा पसंद करते हैं? पुराने में नुसरत फतेह अली हो गए उनके थे, और उसके अलावा जो है इंडिया के हैं मोहम्मद रफी. सख्त सख्त स्ट्रेस में ये सारी चीजें, म्यूजिक, ये को मूवीज या दोस्तों की गैदरिंग्स, किसे ज्यादा प्रेफर करते हैं? जब कोई डिप्रेशन हो रहा हो, जब बहुत सख्त प्रेशर में हो, तो मूसीकी को आप तरजीह देंगे, मूवी को तरजीह देंगे, या दोस्तों को, या कोई ऐसे करीबी हैं जिनके पास आप जाना पसंद करें? मेरा ये ख्याल है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बंदा हो तो वो उसकी और बहुत परेशान हो तो कोशिश यही होती है कि जो आपके बहुत जिनसे आप चीज़ डिस्कस कर सकते हो तो उनके साथ. मेरे साथ बड़ा उल्टा, मैं डिप्रेशन में खाना बहुत शुरू कर देती हूँ, मुझे भूख बहुत लगना शुरू हो जाती है डिप्रेशन में. हाँ मैं ये कहने लगी थी कि खवातीन का तो पूरा दिन ही ऐसे गुजर जाता है, बड़ी ईद है खाने वाने पकाने में, तो आपकी क्या मसरूफियात है? यकीनन आज बड़ी ईद का पहला दिन है तो आप खाने वाने बना कर आई होंगी. नहीं मैं खाना एक्चुअली मुझे बनाना नहीं आता. अच्छा. तो कुकिंग मैं नहीं करती, बट आई एम अ गुड मैनेजर. मेरा किचन विचन, मैं देसी फूड लवर हूँ, आई मीन मेरा ऑर्गेनिक फूड का मैं बच्चों को प्रेफर करती हूँ बाहर की बजाय घर का. तो ईद का दिन नॉर्मली यही होता है, हम लोग पहले सुबह बेसिकली चूंकि हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है तो ईद हम नमाज अब चीमा साहब के पेरेंट्स की तरफ उधर जाके हमने पढ़ी है, और उसके बाद फिर फर्स्ट हाफ हमारा मेरे इन लॉज में गुजरता है, वहाँ पे फिर सारी फैमिली आई होती है, सारी यू नो चीमा साहब की सिस्टर्स और मतलब सब सारे, और वो इतना माशाल्लाह हमारी बड़ी जलसा टाइप ईद होती है. घर में भी जलसा, ये चीज तो लाए क्योंकि हम पॉलिटिकल है, मैं कहती हूँ मैं तो मिस नहीं कर रही. जॉइंट फैमिलीज का भी है तो उधर जलसा टाइप ईद होती है, तो वो जलसा टाइप ईद बच्चे खैर बहुत एंजॉय करते हैं. अच्छा इधर बड़ी अहम बात है, दो दो किस्म का जलसा होता है, एक तो मेरा वो फैमिली है, हमारा दूसरा वाला बात में तब्दील नहीं हो रहा लोग रहना शुरू हो रहा वो डरना एक्सपर्ट ये है. हाँ, मुझे ना स्पेशली हमने अभी सीखना है, मेरी देवरानियां जेठानियां दे यूज्ड टू आस्क, मौके पे चौका मारे हैं अच्छा दे यूज्ड टू आस्क, अच्छा भाभी आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैं कहती हूँ मेरे से ज्यादा यूज्ड टू कौन होगा जलसों का, यू सी कि हम लोग तो आदि हो गए हुए. फिर वो फर्स्ट हाफ हमारा चीमा सबके पेरेंट्स की तरफ, एंड देन जब हम वापस आते हैं तो आधी कुर्बानियां हम उधर करते हैं, फिर मैं अपने घर में बीजी करवाती हूँ. रेशमा से पूछ लेते हैं, रेशमा आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद इकट्ठी होती है इसी पर पूछे कि यार ढोल लेके साथ सोती है. हाँ ये बात है, ईद वाले दिन आपके साथ ढोल को ईदी मिलती है? नहीं ऐसा नहीं है, और बड़ी ईद तो वैसे बकरा ईद होती है, और आई डोंट ईट मटन एंड बीफ तो मुझे इतना ज्यादा खुशी नहीं होती. हाँ चैनल्स पे इसको बहुत अच्छी तरीके जी चैनल्स पे बहुत अच्छी तरीके इसको हम सेलिब्रेट करते हैं व्यूअर्स के साथ, आप सब टीवी चैनल्स के साथ, तो मेरी ईद बहुत अच्छी चैनल्स पे बहुत अच्छी गुजरती है. लेकिन जब खाने की बारी आती है तो मैं फिर भागती हूँ, मैं नहीं खाती. तो रेशमा ढोल तो बजाते हो, कोई मौसीकी वगैरह पसंद है, गाने वगैरह? बहुत. कौन सा गाना या कौन सा सिंगर ऐसा पसंद है? मुझे सब पसंद है जो भी. अच्छा सॉन्ग भी इट डिपेंड्स ऑन मूड. अब जैसे इन्होंने गाया बहुत अच्छा गाया है, सब मिक्स था, आप आपका कैसा भी मूड हो लेकिन इन्होंने जैसा गाया आपको उसमें वो अच्छी फील आएगा. चले फिर यही करते हैं कि आप लोग, चूंकि हम इस तरफ नहीं ला रहे कि आप गुनगुनाएं भी, पहेलियां पूछे और जो पहेली नहीं आएगी इनसे पूछे कि आप गुनगुनाना. ये भाईजान हमें गाने का मौका दे फिर हम यही करते हैं ट्रुथ और डेयर, ये पहेलियां और हम डेयर का रख लेते हैं. अगर आपको पहेली नहीं आती तो फिर हम बोलेंगे कि आप गुनगुना कर दे. चलिए फंस जाएंगे सारे. नहीं तो फिर शुरुआत कर लेते हैं ना ये पूछे, तो पहली पहेली में मियां साहब आपसे पूछूंगी. चलेगा तमाशा वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो पहली पहेली ये है कि इंग्लिश में ए और बी के दरमियान क्या आता है? आपके पास रफी का गाना, मैं दिल का गाना गाने का, अपने पार्टी सॉन्ग गाने के पूरे ऑप्शन खुले, या मेडले गाने कुछ भी गा सकते. पहले एक दफा फिर से रिपीट कर देते, इंग्लिश में ए और बी के दरमियान में क्या आता है? स्पेस. नहीं ठीक है. नहीं जी नहीं, ये भी ठीक है. नहीं नहीं ये ठीक नहीं है. स्पेस होती है, ये भी ठीक है, मेरा ख्याल ठीक है. लेकिन
मुसरत साहिबा से पूछते हैं, पहेली की ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर, इमेजिन करें, खतरनाक परिंदा है और ये गैर सियासी परिंदा है। दुनिया में कोई चीज गैर सियासी नहीं होनी चाहिए, ये कहाँ से आ गया? नहीं होनी चाहिए, ये कहाँ से आ गया? सर पर पैर होते हैं, वो क्या है? बस एक मिनट खामोश, खामोश का होते नहीं। गाना गाने का मौका, आपके पास ऑप्शंस खुली है जी, गाना कोई अच्छा सा सुना। नहीं, हम्द की एक लाइन पढ़ देती हूँ। हम्द, बिल्कुल बिल्कुल। ना सबूत है ना दलील है, ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। माशाल्लाह, कितना सुरीला पढ़ती है। मैं बात अच्छी पढ़ लेती हूँ लेकिन मेरा गला बहुत खराब है। ये बहुत तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, क्या बात, थैंक यू बहुत अच्छा। ये मेरे ख्याल एक और पहेली पढ़े, गाने की तरफ आए। अब इनकी तरफ आते हैं ना, ताकि ये पहेलियां और भी हैं। आप गाना गुनगुनाना पड़ेगा मुझे लगता है। कितनी पहेलियां हैं ये, 5-7 और। वैसे कौन सा परिंदा है जिसपे सर पे पैर नहीं है? हर परिंदे के सर पर पैर, सर पर और पैर, सर पर। अच्छा, सारे परिंदे। चले जी, मियां साहब से सवाल करते हैं कि जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद गाना पे नहीं जाना, बिल्ली मासी है शेर। हाँ नहीं, वो उस तरफ नहीं जा रही, पार्टी स्लोगन की तरफ जा रही। जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद बिल्ली रहती है। नहीं, दे दिया, अभी भी गलत है। कैसे 3 साल के बाद क्या हो जाती है? बिल्ली बिल्ली रहती है और क्या, बिल्ली ने बिल्ली रहना जब तक वो जिंदा। बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है 3 साल के बाद क्या हो जाती है? क्या होती बताए? 3 साल के बाद 4 साल की हो जाती है। फिर उन्हें कहीं गलत आंसर है। तो मैंने कहा तो है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर आप लोगों को 4 ऑप्शन भी देनी चाहिए। ऑप्शंस वाला बाद में आएगा, ऑप्शंस वाले सवाल। 3 साल के बाद बिल्ली क्या हो जाती है? वो कहते बिल्ली रहती है। ये आंसर भी तो ठीक है, ठीक है, बिल्ली ने तो बिल्ली रहती। लेकिन मैंने यही हुई 4 साल की रही, हम कहते हैं ना कि जबान में बिल्ली। अच्छा, इनको और पहले पूछे क्योंकि उनका आंसर जवाब ठीक है। अच्छा, जवाब ठीक है। एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो जाता है, तो 11 कितने रुपए में होंगे? एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो जाता है, एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो जाता है, तो 11 कितने रुपए में होंगे? 11 × 11 मैथ्स में कमजोर थे मेरे ख्याल से। एक बंदा 11 गाने की तरफ ले जाए, गाने की तरफ ले जाए, बेहतरीन हाल है गाने की तरफ। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। 11 रुपए में गंजा हो गया, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। आपने क्या 11 बंदे? एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है, तो 11 कितने रुपए में होंगे? 11 में तो एक ही बंदा गंजा होगा, तो 11 कितने में होंगे? 11 क्या, 11 कितने में होंगे? 11 क्या बंदे या क्या 11 क्या? सवाल ये है ना कि एक बंदा 11 क्या जालिया ना उन्होंने। गाना नहीं, उन्होंने गाना मुझे पता है। 11 कितने रुपए में होंगे? 11 कितने रुपए में होंगे? 11 रुपए में 11 होंगे। एक बंदा 11 रुपए में, सिर्फ एक बंदा गंजा होता है जी, ठीक है, तो अब 11 कितने रुपए में होंगे? नहीं, आप 11 बंदे कह रही हैं या सिर्फ 11 कह रही हैं? मैं 11 कितने रुपए में ये कह रही, 11 जो होंगे, एक मिनट रुको, एक मिनट, 11 जो है, दोनों जो एक मिनट खड़ा सुना दो, माफी दे दो, गाना सुन ले, चिड़े आने लगे यार, गाना सुन ले, आओ गाना सुना दो, मैं कैसे गाना सुना सकती हूँ, आप टॉप कर लो, तुझे मेरे को आता नहीं गाना। चले हम पहली दूसरी रख लेते हैं। पहली कितनी बदलेंगी और बस करें, मेरा ख्याल यार आप आ जाए बीच में, आ जाओ आप आए यार बेटा, कोई अच्छी सी चीज सुनाए, इधर टाई नहीं, बात नहीं समझ आ रही। अच्छा, चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीधे
ईद दर्जी नहीं भुलेंदा दोले दी मर्जी हाय चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं मनेंदा दोले दी मर्जी चिट्टा चोला चिट्टा चोला लाई किनारी झूठी निकली वे ढोले दियारी चिट्टा चोला लाई किनारी झूठी निकली वे ढोले दियारी हाय चिट्टा चोला सीत दर्जी नहीं भुलेंदा डोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीत दर्जी नहीं मनेंदा डोले दी मर्जी बहुत खूबसूरत जी बहुत खूबसूरत दर्जी वाला गाना था तो दर्जियों को भी चांदी हो जाती है ईद पर खूब पैसे कमाते हैं वो मेरे ख्याल शॉर्ट ब्रेकिंग लेते बिल्कुल ऐसे ब्रेक के बाद ब्रेकिंग लेते हैं जी और पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी पहेली हम ईजाद करें कि मियां साहब से गाना सुन लें शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रही